आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं स्वाति रायना। जल्दी सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के दिन एक बार फिर से वापस आने वाले हैं। दरअसल अब कार्ड या फिर ई वॉलेट से पेमेंट करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और ये फायदा केवल ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि बिजनेसमैन के लिए भी होगा, यानी डिजिटल पेमेंट करने वालों के अच्छे दिन आएंगे। कैसे मिलेगा आपको ये फायदा और कैसे आएंगे आपके अच्छे दिन, देखिए इस रिपोर्ट में। डिजिटल पेमेंट बनेगा फायदे का सौदा। आम आदमी व्यापारियों को होगा बड़ा लाभ। हर ई पेमेंट पर मिलेगा कैशबैक। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने प्रपोजल भी तैयार कर लिया है। दरअसल डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक प्रपोजल पर काम कर रही है जिसके तहत कंज्यूमर्स को कैशबैक और मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी पर डिस्काउंट जैसे ऑफर्स दिए जाएंगे। कैश की जगह डिजिटल पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को एमआरपी पर कैशबैक दिया जाएगा। ये डिस्काउंट 100 रुपए तक का होगा और उद्योगों को डिजिटल होने पर आगे बढ़ने के लिए कैशबैक दिया जाएगा। यानी अगर आपने 5,000 रुपए का कोई कपड़ा खरीद कर उसकी पेमेंट कार्ड या ई वॉलेट के जरिए की तो उसके कैशबैक के तौर पर सरकार आपको 100 रुपए वापस आपके बैंक खाते या ई वॉलेट खाते में देगी। कैशबैक के अलावा किसी बिजनेस को डिजिटल ट्रांजैक्शन से हुए टर्नओवर पर टैक्स क्रेडिट देने का प्रस्ताव भी है। ये वैसे ही है जैसे उद्योगों को कच्चे माल पर चुकाए गए टैक्स पर क्रेडिट मिलता है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया प्रस्ताव रेवेन्यू डिपार्टमेंट 4 मई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सामने रखा जाएगा। सरकार ये कैशबैक जीएसटी से होने वाली कमाई से देगी और इससे सरकार पर 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का बोझ आएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मानना था कि कैशबैक के तरीके को लागू करना आसान होगा और इसका दुरुपयोग भी मुश्किल है। एहतियात के तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी बिजनेस के डिजिटल ट्रांजैक्शंस को चेक करेगा और फिर कैशबैक को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में विचार विमर्श किया जा चुका है। इस बैठक में व्यापारियों के लिए कैशबैक के अलावा टैक्स क्रेडिट के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन राजस्व विभाग ने कैशबैक के विकल्प को चुना क्योंकि इसे लागू करना आसान है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है जिससे कि आप लोग भी कैश से ज्यादा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान है, साथ ही मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी इस पूरी खबर को और अच्छे से बताने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो खास गेस्ट हमारे साथ है, परिचय करा दें। हमारे साथ एसडी मौजूमदार जी हैं, फॉर्मर चेयरमैन सीबीएसई एंड जीएसटी एक्सपर्ट। साथ ही हमारे साथ विश्वास पटेल है, फाउंडर सीसी एवेन्यू। संजीव मल्होत्रा जी, जीएसटी सलाहकार हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आलोक प्रियदर्शी, मैं आपके पास आऊंगी। आलोक, ये बड़ा फैसला डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए, एक बहुत बड़ी मुहिम डिजिटल इंडिया की सरकार की, लेकिन आखिरकार जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको उठाने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, सरकार का ये बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है। डीमोनेटाइजेशन के बाद से सरकार को उम्मीद थी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारी बढ़ोतरी आएगी। इसमें बढ़ोतरी आई भी, लेकिन धीरे धीरे जो मोमेंटम है वो नीचे चला गया। अब सरकार को लगता है कि एक और, एक तरह से कहें, निर्णायक कदम उठाने की जरूरत थी और ये कदम वो है जिससे कि सरकार को उम्मीद है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का उनका लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। और इसी के तहत जो ये कैशबैक की स्कीम सामने आई है, सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये प्रपोजल रेवेन्यू मिनिस्ट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना रहा है और इसमें खासतौर से जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसमें कैशबैक की स्कीम बाद में ही देनी होगी, उसके जो जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके मैचिंग के आधार पर, और साथ ही साथ जो बिजनेसेस हैं उनके टर्नओवर के आधार पर टैक्स क्रेडिट देना है, तो इसलिए इसको जीएसटी काउंसिल से अप्रूव कराना जरूरी है। हालांकि ये डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत भी हो सकता था, लेकिन चूंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स के तहत रहेगा तो सरकार को इसको कह सकते हैं इसके चेन को, इसको ट्रेस करने में आसानी होगी। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने इस प्रपोजल को बनाया है और इसको जीएसटी काउंसिल में मंजूरी के लिए भेजी जाएगी, और जैसे ही मंजूरी मिल जाती है सरकार इसको किसी न किसी दिन इसको इसका ऐलान कर देगी, क्योंकि ये स्कीम ऐसी स्कीम है जिससे कि ग्राहकों को तो फायदा है ही है, साथ ही साथ जो बिजनेस
बिजनेसेस हैं उनको भी फायदा है, क्योंकि अभी तक बिजनेसेस को ये बिजनेसेस खासतौर से डिस्करेज करते थे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उससे उनका कहते थे कि 2% का उनका घाटा होता है। लेकिन यहाँ पर सरकार उल्टे 2% का कैशबैक ग्राहकों को भी दे रही है और साथ ही साथ टर्नओवर पर उनको भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोनों के लिए ये काफ़ी बेहतर है, दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन। ऐसे में अब कोई भी दुकानदार या कोई भी जो बिजनेस होगा वो किसी भी ग्राहक को डिस्करेज नहीं करेगा डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए पेमेंट करने को लेकर। तो ग्राहकों के लिए फायदा आलोक, बिजनेसेस के लिए फायदा, डिजिटल ट्रांजेक्शन को और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की तैयारी है सरकार की तरफ से, लेकिन इसके पीछे 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बोझ आएगा उसको वहन करने के लिए सरकार का क्या प्लान है? देखिए, सरकार को जीएसटी में रेवेन्यू तो मिल रही है, हालांकि अभी 8 महीने का रेवेन्यू आया है और जो 8 महीने का रेवेन्यू मिला है उसको लेकर सरकार काफ़ी होपफुल है कि आने वाले दिनों में रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि ईवे बिल और तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं अभी सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। उम्मीद है कि ईवे बिल जब सही तरीके से काम करेगा और साथ ही साथ जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी सही तरीके से काम करने लगेगा तो रेवेन्यू में यकीनन बढ़ोतरी होगी। जो सरकार का जो एस्टिमेट है कि 10,000 से 20,000 करोड़ के बीच में कुछ खर्चा इसमें बैठेगा इस कैशबैक की स्कीम, इसीलिए इसको 100 रुपए तक के लिए कैप कर दिया गया है, क्योंकि अगर कैप नहीं किया जाता तो सरकार का काफी नुकसान हो जाता। तो सरकार इस एक खर्च को जो 10 से 20 हजार करोड़ रुपए का खर्च है इसको डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्रमोशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, और अगर यह कैशबैक लोगों को मिलना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है कि अपने आप लोग आने वाले दिनों में डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ ज्यादा रुझान उनका रहेगा। बहुत शुक्रिया आलोक प्रियदर्शी इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्रमोशन का यह तरीका कैसा है? एसडी मौजूमदार जी, मैं आप ही से जानूंगी, सरकार जो ये प्रपोजल पेश करने जा रही है जीएसटी काउंसिल के सामने, ये तरीका सर आपको कैसे लगता है कि हाँ कैशबैक अब ग्राहकों को मिलेगा और फायदा भी जो बिजनेसेस है उनको भी मिलेगा इसका? हाँ देखिए, सारे स्कीम तो सामने नहीं है, पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे ये किया जाएगा। तो लेकिन ये जो है ना, पहले 2-3 बातें मैं कहने चाहता हूं। जो जीएसटी जो लागू होता है वो रेट्स ऑफ टैक्स जो होते हैं वो वैल्यू का ऊपर होता है, जो उस वैल्यू में एमआरपी से कोई उसका कोई कनेक्शन नहीं है, एमआरपी दूसरा एक एक्ट से होता है। तो इसलिए वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितना ट्रांजैक्शन होगा उसका ऊपर ही उसका 10% या 50 जो भी 12% या 18% जीएसटी लागू होता है। ना अभी क्या है, मैं जो देख रहा हूँ ये जो होगा सडनली जो कैशबैक करेंगे ये सप्लाई होने का बाद, ठीक है, तो सप्लाई होने का बाद जो सप्लाई हो गया ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन में कंज्यूमर को डिस्काउंट दिया है। ना जो मैं सोच रहा हूं, तो लॉ का जो आइन जो है, अभी जो आइन है कि मैं मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं लेकिन कुछ छोटा छोटा चीजें कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल में दूसरों से खरीदता हूं, तो जब खरीदता हूं उसके ऊपर जो टैक्स है मान लीजिए 1,000 रुपया में 10% टैक्स है, तो 100 रुपया टैक्स है, मैं 100 रुपया टैक्स दिया उसके बाद मैं 100 रुपया का क्रेडिट भी ले लिया। अभी मैं जब ये करूंगा, अगर मेरे को कोई फायदा मिल जाए कि मैं डिजिटल में कर लिया, कि ये जो इश्यू होगा तब तो उसको पता नहीं है कि डिजिटल करूंगा मैं या मैं नॉर्मल कैश में करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो 100 रुपए का क्रेडिट ले लिया, लेकिन अब जब मैं डिजिटल करूंगा एक्चुअली मेरा जो टैक्स अमाउंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इससे ज्यादा मैंने क्रेडिट ले लिया तो क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा। ये आइन में है, अभी वर्तमान आइन में है, अभी भी कोई डिस्काउंट है जो पोस्ट सप्लाई जो डिस्काउंट होता है उसके लिए क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। तो ये एक है। दूसरा बात ये है जो एक ठीक है, डिजिटल मीडिया को डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन इसका होलिस्टिक होना चाहिए। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले आपका चैनल में आया था जहां पे वो बैंक का जो था जो मिनिमम रिजर्व नहीं होने से इन लोगों का जो चार्जेस देना पड़ता उसके लिए सम 6,000 करोड़ रुपया या ऐसा कुछ ये हुआ था। तो उस टाइम पे भी मैंने ये बोला था कि ये एक होलिस्टिक व्यू लेके करना चाहिए, क्योंकि ये तो डिस्करेजिंग द डिजिटल हो गया, तब तो लोग बोले बैंक में क्यों जाओ। तो मैंने जो सुना है कि उस मामला में अभी वो भी शायद आ रहा है, कदम एक्चुअली डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देगा, मतलब ये एक पॉजिटिव सोच की तरफ लिया गया कदम है, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा इससे।
कुछ कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन और एक बात है, वो इकोनॉमिक्स का बात नहीं, मैं पॉलिटिक्स का बात करूंगा। जो यदि यानी कि पॉलिटिक्स मेरा एरिया नहीं है, लेकिन आजकल तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक साथ हो जाता है। अब देखिएगा, आप जो आप ये पैसा कम कर देंगे, जो डिस्काउंट देंगे जो डिजिटल में करेंगे, तो इसमें क्या है, जिसके पास थोड़ा सा अमीर है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, बैंक फैसिलिटीज है, इन लोगों ने उनको बेनिफिट सेम चीज एक ही चीज सामान उसके लिए अगर 100 रुपया होता है तो right, लेकिन उन जो जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं है, जो गरीब लोग है, उनके पास वो ज्यादा कीमत हो जाएगा, उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये भी शायद ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप जानेंगे, आपको याद होगा जब स्मॉल बिजनेस के ऊपर कैसे असर पड़ा था 1 जुलाई में, जब बड़े बड़े शिल्प में कुछ असर नहीं पड़ा था। आपने सही वैलिड पॉइंट यहाँ पर बोला है, डेफिनेटली जब जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, छोटे बिजनेसेस को, बड़े बिजनेसेस को, हर तरह के ग्राहक को कैसे इससे फायदा होगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा डेफिनेटली की जाएगी। और चर्चा हमारी भी इस मकसद से है कि आखिरकार इससे हर किसी को फायदा कैसे पहुंचेगा। लेकिन क्योंकि मकसद है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना, नोटबंदी के बाद हमने एक स्पाइक देखा था डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, 100% से ऊपर का एक परसेंटेज हमें दिखाई दी कि कितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ी थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वो जो परसेंटेज थी लोगों के डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की, वो कम होती गई है। तो विश्वास पटेल जी, आपको लगता है इस कदम के बाद वाकई डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एक बूस्ट मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। देखो, गवर्नमेंट का टारगेट करंटली अभी 5% ऑफ द GDP इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। उनको 2028 तक 20% तक लेके जाना है ऑफ द GDP थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। एंड जो भी कॉस्ट फैक्टर है, बी इट 10,000-15,000 करोड़, विद मोर ट्रांजैक्शंस डिजिटल आएगा तो फॉर्मल उसके अंदर से क्या बोलते हैं, फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आएगा तो टैक्सेशन ऑल ओवर तो बढ़ने ही वाला है। नाउ एज फार एज कस्टमर इज कंसर्न्ड, द अबिलिटी टू पे तो है। टुडे अगर आप देखने जाओ तो ऑलमोस्ट 82 करोड़ डेबिट कार्ड्स है। आप टोटल इंडिया पॉपुलेशन आप 125 करोड़ का पकड़ो, बच्चे लोग को निकाल दो तो 82 करोड़ डेबिट कार्ड है, अराउंड 3.3 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स है, अराउंड 50 करोड़ नेट बैंकिंग है। तो अबिलिटी टू पे है, पर तुरी आज कस्टमर का अगर आप उनका यूजुअल देखो, शॉप जाके डायरेक्ट नहीं करते, अगर वो डायरेक्ट जाते पहले ATM से कैश विड्रॉ करते और फिर शॉपिंग करते हैं, ना उसको पैसा मिलता है, वो शॉपकीपर को भी कैश जाता है। तो अगर वो डायरेक्ट वहां पे करे और ऊपर से गवर्नमेंट उसको कैशबैक देवे तो उनको फायदा ही होगा, डायरेक्ट भी होएगा, उनको भी इजी होएगा, कन्वीनियंस होएगा। सेकंड चीज, अगर आप मर्चेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो टैक्स बेनिफिट तो अगर गवर्नमेंट देती है, ये टोटल साउथ कोरिया मॉडल है जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। साउथ कोरिया ने क्या किया, टैक्स रिबेट दिया। अगर एक इंडिविजुअल 25% अपना जो स्पेंड है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करता है तो टैक्स रिबेट दिया। मर्चेंट्स लोग को कंपलसरी कर दिया, यू हैव टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। और फिर वीकली लॉटरीज निकाला है फॉर कैशबैक्स एंड अदर थिंग्स। टुडे साउथ कोरियन इज ऑलमोस्ट कैशलेस। बिल्कुल सर। So इफ वी फॉलो दैट मॉडल एंड वी आर फॉलोइंग दैट मॉडल राइट नाउ, तो काफी बूस्ट मिलेगा डिजिटल पे। बिल्कुल, एक्चुअली डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए लोग डिस्करेज क्यों होते थे, अब कहते थे मुझे अगर 5,000 रुपए का सामान खरीदना है या माने उससे कम का भी सामान खरीदना है, मैं कार्ड से पेमेंट करूं तो उतना चार्ज मेरे से कट जाता है, इससे अच्छा मैं कैश पे पेमेंट करूं। इससे धीरे धीरे ये भी शुरू हुआ कि लोगों ने कैश देना ही शुरू किया कि मैं अपना नुकसान क्यों करूं। आई कम टू यू विश्वास, आप इस पे पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं, बट संजीव मल्होत्रा जी हमारे साथ GST कंसल्टेंट भी है। जिन इंसेंटिव्स की यहाँ पर बात चल रही है और जिस प्रपोजल को GST काउंसिल में उठाया जाएगा कैशबैक का, उसमें सिर्फ ग्राहकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए नहीं, कंज्यूमर के लिए नहीं खाली मल्होत्रा जी, पर बिजनेसेस के लिए भी एक इंसेंटिव देने की सोची गई है। मतलब कैशबैक के अलावा अगर किसी बिजनेस को डिजिटल ट्रांजैक्शन से हुए टर्नओवर पर टैक्स क्रेडिट देने का प्रस्ताव भी सामने आया है, उससे सर बेनिफिट मिलेगा, फर्क पड़ेगा इस प्रपोजल का? साथ ही इस टोटल मूव पे मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहला तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बहुत प्लेजेंट मूव है। पहली बार सरकार ने कैरेट को यूज़ किया स्टिक की बजाय। अगर आज तक देखें सदा सरकार स्टिक को यूज़ करती आई है, पेन इलेक्शन को बात करती है, कभी पॉजिटिव मूव नहीं की। पहली बार सरकार ने ये बहुत पॉजिटिव मूव किया कि कैरेट को यूज़ किया। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये मूव है B2C बिजनेस, जब फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा रेट ऑफ टैक्स कम होगा, 2% जो प्रपोज किया गया है, अप टू 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन।
अब ये 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन जो किया गया, इसको मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कारण अगर 100 रुपये की बात होगी, लोग दो दो बिल कटवाएंगे तब वो 200 रुपये हो जाएगा, तो एक ये भी पॉजिटिव स्टेप नहीं है। लेकिन ये जो केस है कि 2% रेट ऑफ टैक्स कम होगा, ये B2C के केस में जब बिजनेस कस्टमर को बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा, तब कम होगा। अगर बिजनेस बिजनेस को बेचेगा तो कम नहीं होगा, तो कम नहीं होगा। और इसमें जो डिफिकल्टी आने वाली सरकार को, वो ये आने वाली है, कंपोजिशन डीलर सबसे ज्यादा कंज्यूमर बेस कंपोजिशन डीलर के पास जाता है, रेट ऑफ टैक्स उनके लिए कम नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिशन डीलर तो प्रीपेड टैक्स वाली गुड्स को डील करता है, उसने तो 1% टैक्स देना है, तो वो इस चीज के दायरे में नहीं आएगा। तो कंपोजिशन डीलर का अब एक बीच में मुश्किल आएगी कि उनको कैसे डील किया जाए। तो जो बिजनेस टैक्स टैक्स रेगुलर डीलर है, जो रेगुलर टैक्स पे करता है, उससे जब कंज्यूमर खरीदेगा तो वो टैक्स का बेनिफिट उसको पास ऑन कर सकेगा डिफरेंशियल टैक्स के माध्यम से। और बिजनेस को जो आप जिक्र कर रहे हो बार बार, बिजनेस को जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट इस टैक्स के माध्यम से नहीं होगा। पहले क्या था, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जो ट्रांजेक्शन की जाती थी, वो जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की एजेंसी थी, वो बिजनेस से 2% कलेक्शन का पैसा काटती थी। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने वो एक खत्म कर दिया है, उनका कलेक्शन का पैसा नहीं कटेगा। इस तरह बिजनेस भी बेनिफिटेड हो गया और जो कंज्यूमर है उसको ये इंसेंटिव दिया गया है कि तुम्हें 100 रुपये या 2% रेट ऑफ टैक्स से सस्ता माल मिलेगा, तो लोगों को इंकरेजमेंट मिले ताकि वो सस्ता माल लेने के लिए वो डिजिटल पेमेंट करें। बिल्कुल संजीव जी, जो आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल थोड़ा सा आखिर के 3-4 मिनट शो के बच गए हैं, आप ही से मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पर जानूंगी। जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत परेशानी अब आएगी इसमें, क्योंकि अब ये प्रपोजल जाएगा जीएसटी काउंसिल की काउंसिल में, हर एक वर्ग को इससे फायदा हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिले और किसी को इससे नुकसान ना हो, और क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्या लूपहोल्स हो सकते हैं जिसको दूर किया जा सकता है अभी भी, क्योंकि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इस पर अभी विचार ही चल रहा है। इसमें दो चीजें हैं, जो अनरजिस्टर्ड डीलर है वो बेनिफिट में आ गया, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर की कैपेसिटी कंज्यूमर की होती है। जब उसको माल बिकेगा, जो 20 लाख से कम के लोग हैं उनको माल बिकेगा, तो उनको ये 2% का इंसेंटिव मिलेगा। अगर 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन की आपने लिमिट रख दी, वो सदा ज्यादा बिल कटवाने की कोशिश करेगा। तो एक तो ये केस है। जो कंपोजिशन डीलर हैं, जो 20 लाख से 1 करोड़ तक के हैं, जिनको 1% फिक्स रेट ऑफ टैक्स देना पड़ता है, वो ये बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं दे सकते। मैक्सिमम कंज्यूमर उनके साथ अटैच हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी जीएसटी काउंसिल के सामने कि जब इस मुद्दे को डिस्कस करें तो कंपोजिशन डीलर जो हैं, सेक्शन 10 में जो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, ठीक है सर, उन तक ये बेनिफिट कैसे पहुंचाया जाए, ताकि लोग उनको भी कैश पेमेंट ना करें, उनको भी चेक पेमेंट करें या कार्ड से पेमेंट करें। मतलब कंपोजिशन डीलर्स को भी माइंड में रखने की जरूरत है यहाँ पर। आपने बहुत अच्छे से पॉइंट बोला। पर विश्वास पटेल जी, अब आपके हिसाब से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये तो विचार, इस कदम पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन इसके बियॉन्ड और कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम जैसा मजूमदार जी कहते हैं होलिस्टिकली देखें, कितने लोगों के पास डेबिट कार्ड है, कितने लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कई लोग अभी भी कैश में डीलिंग करते हैं, क्या उन तक ये बेनिफिट पहुंचे, उसके लिए और भी और कुछ करने की जरूरत है? देखो, कस्टमर को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दे हैव द एबिलिटी टू पे। मैंने बताया आपको 82 करोड़ डेबिट कार्ड्स है, 50 करोड़ नेट बैंकिंग है, 3.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड है मार्केट में। सो उनको एबिलिटी टू पे नहीं है, प्रॉब्लम खाली एक्सेप्टेंस पे है। और कस्टमर पर्सपेक्टिव से 100 रुपये का चीज ले रहा है तो 100 रुपये का ही उनको वैल्यू मिल रहा है इफ दे पे बाय इलेक्ट्रॉनिक, दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग मोर। मतलब उनको कुछ ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, प्लस ऊपर जब ये कैशबैक जो गवर्नमेंट सजेस्ट की, इट विल ड्राइव देम टू डू मोर। प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस में है, मर्चेंट एक्सेप्टेंस में है। टुडे मर्चेंट एक्सेप्टेंस में क्या प्रॉब्लम है कि खाली 3.3 मिलियन पॉस टर्मिनल्स है। इंडिया इज अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, एंड अभी वो भी बिफोर डिमोनेटाइजेशन 1.5 मिलियन ही पॉस टर्मिनल्स था जो एक्सेप्ट करते थे। अब भी किराना शॉप पे जाइए, ये जाइए, रियल पॉस टर्मिनल्स तो अभी भी नहीं है वहां पे। सो एक्सेप्टेंस एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो इंसेंटिवाइज वहां करना है। सो जैसे साउथ कोरिया ने किया, कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक पॉस टर्मिनल का एक्सेप्टेंस एज अ रूल फॉर ऑल मर्चेंट्स, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो एक करेंगे तो पीपल को वहां जाके वो डायरेक्ट डेबिट कार्ड से पे कर सकेगा, वो एटीएम जाके कैश विड्रॉ करके क्यों करे। वेरी वेरी सेकेंड चीज, एक बार वो इंसेंटिवाइज आ जाता है,
तो जो मर्चेंट के ऊपर जो टैक्स बर्डन आता है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक करके उनको कुछ वहां पे टैक्स इंसेंटिव दे देवे तो दिस विल स्काई रॉकेट बिकॉज देन द होल अखा चेन कंप्लीट हो जाता है. कस्टमर रेडी टू पे एंड मर्चेंट विलिंग टू एक्सेप्ट, तो उससे अखा डिजिटल इकोसिस्टम विल स्टार्ट बूमिंग लाइक एनीथिंग. आपके बात से पॉइंट ये निकल कर आता है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए कितनी POS मशीन अभी भी लगी हुई है मर्चेंट्स के पास, उनको भी बढ़ावा देने की जरूरत है टू मेक दिस होल एक्सरसाइज टोटली सक्सेसफुल. अब आखिरी कमेंट मैं मौजूदा सर आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि अब जो इससे भार आएगा मतलब अगर हमें कैशबैक मिलता है अगर फायदा मिलता है उसका बोझ कौन उठाएगी, वो सरकार उठाएगी, किससे उठाएगी, जो GST कलेक्शन जो रेवेन्यू उसको वहां से मिलता है. अब हाल फिलहाल में हमने देखा है कि हाँ उसमें भी उतनी वृद्धि नहीं हुई है, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो क्या ये तरीका सही है भार उठाने का और इस पे कुछ और भी किया जा सकता है? पहले बात मैं कहने चाहता हूं डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने का जो कदम उठाया ये बहुत ही अच्छे कदम है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस कदम उठाने के पहले जितना प्रोज एंड कॉन्स जो है वो सारे अच्छी तरह से देख ले ताकि ऐसा ना हो जो एग्जांपल मैंने दिया है कि एक साइड में तो पॉलिसी डिसीजन दे दिया, दूसरा साइड में इन्वेस्टिगेशन साइड में बोला कि ये वैल्यू में कवर्ड नहीं है जो हुआ था आपका वो जो बैंकिंग सर्विस का जो मेरे ख्याल पे अभी ये सॉर्ट आउट हो रहा है. तो ऐसा छोटे छोटे चीज यहाँ पे वैल्यूएशन के इश्यू जो मैंने पहले उठाया ये सब लॉज थोड़ा चेंज करना रूल्स चेंज करना पड़ेगा. तो ये है एक मत. दूसरा जो मुद्दा आपने जो बताया रेवेन्यू का, हाँ रेवेन्यू का तो थोड़ा लोड आएंगे, लेकिन बात यह है कि पहले साल सब देश में जहां पे GST या VAT ये आया है पहले साल में तो थोड़ा सा रेवेन्यू डिप होता है. वो तो गिवन है, वो तो एक्सपेक्टेड है. वो मान के फाइनेंशियल प्लानिंग बजट एक्सपेंडिचर होते हैं. तो और अभी क्या है जब देखोगे सारे देश का जो आप देखोगे इंटरनेशनल प्रैक्टिस वो धीरे धीरे जब आगे जाते रहे सेटल करते रहे, इंडिया में भी हो रहा है 9-10 महीना में अभी सेटल कर रहा है वो बायंसी आ रहा है क्योंकि सिर्फ सिस्टम बहुत एफिशियंट है. बायंसी जब आ जाता है ऑटोमेटिकली रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ जाता है. तो ये कदम अच्छा है, ये लोड सरकार के लिए ज्यादा नहीं होगा. मेरा कंसर्न ओनली ये कि सारे प्रोसीजर का प्रोज एंड कॉन्स अच्छी तरह से और बढ़ानी चाहिए. मतलब रेवेन्यू कलेक्शन अगर बढ़ता है रियायत बढ़ाना अच्छा रहेगा, अफोर्ड कर सकती है सरकार इन अ नटशेल. जी हाँ सरकार इन्हें नक्शल कर लेंगे उसमें उतना ये नहीं है क्योंकि सबसे बात जो है एक वो अल्कोहल इज आउट ये का बाहर है तो स्टेट में से स्टेट का एक्साइज रेवेन्यू मिल जाएगा. तो इन्होंने आगे शॉर्टफॉल होगा तो अल्कोहल में स्टेट बढ़ा देंगे वाइस आइटम है. दूसरा जो है आप लोग कंपेंसेशन से सरकार से स्टेट का कंपेंसेशन देने के लिए वो भी बढ़ा सकते हैं रिच. और दूसरा जो तीसरा जो अदर वाइज आइटम जो है सिगरेट एंड टोबैको उसमें भी ड्यूटी बढ़ा देंगे क्योंकि ये सारे में जब ड्यूटी बढ़ाते हैं तब लोग ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते. चलिए तो कुल मिलाकर डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, एक प्रपोजल GST काउंसिल में पेश किया जाएगा कि कैशबैक कैसे ग्राहकों को दिया जाए हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर और कैसे बिजनेसेस जो कि डिजिटल लेन देन करती है उनको भी इसका फायदा मिले. उम्मीद ये करते हैं कि हर किसी को सेम लेवल पर इससे फायदा मिले और हर किसी को डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए इससे बढ़ावा मिले क्योंकि हम यहाँ पर लेस कैश इकोनॉमी की बात करते हैं, सरकार का सपना भी यही है. बहुत बहुत शुक्रिया संजीव मल्होत्रा जी, विश्वास पटेल जी और SD मजुमदार जी हमारे साथ आज के इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए.